गुफे के अंदर ना मस्त पानी भरा हुआ, हम लोग ना पानी से चल चल के जा रहे हैं। हम भी बजा कर देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। सुबह के ना अभी बज रहे हैं 11 ऑलमोस्ट ना, हम लोग पहुंचे हैं अभी सरभंगा। मतलब हम लोग ना सुबह सुबह निकले थे, 6 बजे का प्लान था चलने के लिए, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना, मतलब मैंने इतना लेट उठा कल ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था टाइम। राहुल का जन्मदिन था ना, तो उसी में मेरे को टाइम लग गया था, मैं सुबह उठ नहीं पाया। फ़ोन साइलेंट में था, सभी का फ़ोन आ चुका था ऑलमोस्ट। तो भी फिर ना अतुल आया जगाने, जब तब लास्ट में उठा 7 बजे, 7:30, 8 बज गए अपने कौन से निकलने में ही। अभी पहुँचे हम लोग सरभंगा बिनसिंहपुर, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 70 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है ना, 70 के आसपास का हम लोग सफ़र कर लिए। मैं, अतुल, चाचा, ओपी भैया, नन्हे और लाला, 4-6 लोग हैं, 3 बाइकें हम लोगों की। अभी नहा कर जस्ट आए हैं, यहाँ कुंड है ना एक, वहीं पे चलते हैं, दर्शन करते हैं, इसके बाद निकलते हैं। नमस्ते, सब लोग नमस्ते बोले। हाय, हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस। अतुल को मत दिखाओ, उसका मुंह ठीक नहीं बोल रहा वीडियो डालना, फोटो डालना है सबके। चलते पहले प्रसाद लेते हैं, ठीक है ना, चलते हैं पहले प्रसाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। हम दर्शन हो चुके हैं, अभी चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्लान सीधा रुकना है अपने को, सीधा कहाँ? चित्रकूट। चित्रकूट, अब सीधा हम लोग यहाँ से चित्रकूट के लिए निकलेंगे। अभी हम लोगों को करीबन 50 से 55 किलोमीटर का सफ़र और करना है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास बाइकें अच्छी हैं, सिर्फ एक बाइक छोटी, बट हाँ आराम से मतलब 50-55 की स्पीड से चलेंगे। 1 घंटे में ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच जाएंगे। सामान हम लोगों के यहाँ, शूज़ अभी नहीं पहनते, शूज़ पहनते हैं, तुरंत यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ मस्त कुंड साइड ना घूम भाग रहे हैं। ये हमारे ओपी भैया और चाचा दोनों लोग, चाचा हमारे पिपहरी खरीदे हुए हैं, थोड़ी सी अपनी सेटी भी दिखाइए। ऐसा पिपहरी को मजावत है यार, हमारे समझ में नहीं। वो गाइड है, गाइड गाइड आ कर रहे हैं हम लोगों को। भैया पैसा वैसा तो नहीं लेंगे? आगे चलिए। सबसे अच्छा तो इनका लग रहा है हमें पिपहरी वाला सिस्टम, मस्त पिपहरी बजाते हुए। चाचा को नहीं पहले ले ले भाई, जिसके पास ना हो चड्ढे तो पीछे पड़े हुए हैं। भाई यार कहाँ खाना उना बनाने के लिए अच्छा है, चूल्हे रखे हुए हैं, बस कढ़ाई की व्यवस्था करवाइए, बाकी पनीर सनीर की व्यवस्था हम करवा लेंगे ना भाई। पनीर की व्यवस्था हो जाइए। हाँ भाई, बोल दे यार, घमंड काहे कर रहे हैं, हम लोग एक को घमंड नहीं कहे हैं, वहाँ से आ गए। ये कहाँ ले जा रहे हैं यार जंगल? कवर मंगवा देंगे, परेशान ना होइए। और ये जंगल में हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, पता नहीं, खुद ही नहीं पता इन्हें। नया फोन मादा हमारे आएगा है गाइस, ये फोन लिए थे आप लोगों को, वीडियो पता चला होगा, देखें आप। और ये फ़ोन की हालत ऐसी कर दी है, कुछ बता नहीं सकता मैं, मतलब स्क्रीन अगर दिख रहा होगा देखिए, 4 से 5 जगह स्क्रैच आ गया है स्क्रीन में पूरी। अब ये टेम्पल टूटा है या स्क्रीन कंफर्म नहीं हो रहा, इसको आज मैं उकेल कर देख लूँगा, निकाल कर टेम्पल। और पीछे अभी अभी गिरा, 2-3 बार, कितनी बार गिरा अभी? 2 बार अभी भी गिर चुका है। हम लोग सरभंगा ऋषि के आश्रम से निकल चुके हैं और हम लोग जहाँ अनावश्यक शब्दों का, राम जी के गुरु जी का यज्ञ चालू था हवन, तो वहाँ पास राक्षस लोग आके उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे, तो फिर आश्रम से मुनि जी श्री राम जी के यहाँ गए अयोध्या, और दशरथ जी से राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर आए थे, तो यहाँ का यज्ञ सफल हुआ था। और सारी जानकारी ओपी भैया को हमारे है, यहाँ सिर्फ ओपी भैया ही हमें जानकारी पूरी तरह से दे सकते हैं। हम लोग ना फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी आए थे यज्ञ, मतलब हवन जो था उसको पूरा करने के लिए। यहाँ देखिए पत्थरों में ना राम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जो टिंडे इस पत्थर को जमाए हुए हैं, मनोकामना पूरी हो, मनोकामना पूरी, घर वाली मनोकामना पूरी। अच्छा, तो इसीलिए ये पत्थर रखा जाता है। अच्छा, मतलब किसी को अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो पत्थर रख के अपनी मनोकामना मांग सकता है। और हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन्हें?
पंडित जी से चलते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं। 108 हवन कुंड यहाँ एक्चुअल में बने हुए हैं। देखिए पूरा यहाँ से शुरू हुआ है, ये पूरा पूरा पीछे सामने ये, और ये यज्ञशाला है जिसमें हवन हुआ था मेन। इंद्र बोले तो बोले कि तो आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, हम जिनके लिए तपस्या किए वो आ रहे हैं और हम जाएं। बोले आप जाओ, हमको नहीं जाना ब्रह्मलोक। तो इतने में राम जी आ गए, इंद्र चले गए। तो वो राम जी बोले कि इतना दिव्य विमान किसका था? बोले जात रहे ब्रंच के धामा, सुनो श्रवण यही आए हैं रामा। तो बोले आपको सुना कि यहाँ राम जी आ गए हैं? तो बोले हम नहीं गए ब्रह्मलोक। सो इतने पे उनने कही ठीक है। तो बोले हमारी आयु पूरी हो गई है, सो उनने कही यहीं पर सामने खड़े हो जाओ, राम सीता जी और लक्ष्मण जी खड़े हो गए सामने। तो उन्हें अग्नि योग अग्नि प्रकट करी और उसी में अपना शरीर बस कर दिया। तो राम जी ने अपना स्वरूप दे दिया चतुर्भुज में, वहाँ विष्णु रूप में थी मूर्ति। हाँ, पीछे राम जी के पीछे है वही मूर्ति है। पंडित जी ने हम लोगों को ना यहाँ की पूरी किस्सा कंफर्म कर दिया, आप लोगों ने सुना होगा, समझ में आया होगा तो ठीक है, बिकॉज हम लोग ना कभी देखते नहीं है ना, इसी चीज़ों के बारे में सुनते भी नहीं है। तो ज़्यादा से निकल रहे हैं, दो गाड़ी हम लोगों की, एक तीसरी गाड़ी आ गई। आगे से राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज हम लोग ना हर बार भूल जाते हैं। ये दो लोग हैं पीछे पीछे, आगे आगे हम लोगों को वेट करते रहते हैं। इधर इधर चलना है, एक मैं अनपढ़ एक ही अनपढ़, दोनों चल रहे हैं। वैसे अभी हम लोगों को यहाँ से ना टोटल 40 किलोमीटर पड़ेगा चित्रकूट, बिकॉज अभी हम लोग, हाँ एक चीज़ अच्छी है, यहाँ की रोड ना काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्रेकर नहीं है ना, रोड टूटी हुई है। एक बार पहले आया था मैं ना तो काफ़ी ज़्यादा रोड टूटी हुई थी, बट हाँ अभी मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, मतलब 3-4 साल बाद आ रहा हूँ। आज यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सावधान, क्योंकि यहाँ शेर वगैरह निकलते रहते हैं, पूरा जंगल ही जंगल है इधर साइड। ये देखिए दो गाड़ियाँ हम लोगों के आगे जा रही है, डिजिटली हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं चित्रकूट। अभी 10 किलोमीटर रास्ता बचा हुआ है हम लोगों का, और यहाँ ना काफ़ी अच्छा मतलब आगे का नज़ारा दिख रहा है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ, करिएगा इस चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और हाँ हम लोगों का प्लान ना अभी यहाँ से चलते हैं नीचे उतर के, अभी हम लोग जंगल में है ना और पहाढ़ के ऊपर भी हैं, तो नीचे चलते हैं और कहीं पे ढाबे पे मस्त खाएंगे खाना, बिकॉज भूख भी लग रही है, 12:30-1 बजने लगे टाइम। और नाश्ता बस हम लोग सुबह सुबह कर लिए थे, मतलब बिलसिनपुर में, इसके बाद निकल गए थे चाय और नाश्ता करके। अभी चलते हैं कहीं पे मस्त हम लोग खाना खाएंगे ढाबे पे, उसके बाद सीधा हो गया ऑलमोस्ट, हम लोग तो अभी पहुँचने ही वाले, मतलब 2-4 किलोमीटर का फ़र्क रह जाएगा पहुँचने के लिए। इसके बाद कहीं रुकने का डेस्टिनेशन जगह चाहिए हमें, कोई धर्मशाला मिल जाए या तो फिर होटल, तो चलते हैं वहीं, फिर पता करते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। हम लोगों की गाड़ी आगे आगे चल रही है, हम लोग ना पहाड़ से नीचे उतरने के बाद अभी चित्रकूट यहाँ से 8 किलोमीटर है। हाँ अभी हम लोग ने यहाँ ढाबे पे रुके हुए हैं, मस्त खा ली था थोड़ा सा, मस्त खाना खाते हैं, ऑर्डर दे दिया भैया को, सभी लोग मस्त बैठे हुए हैं खा के हारे बेचारे सब। अभी चलते हैं खाना, हम लोगों को 10-15 मिनट में आ जाएगा, पहले खाना यहाँ से पूछते हैं इसके बाद निकल लेगा हम लोगों ना। यहाँ खाना वाना मस्त हो चुका है सभी का, अभी चलते हैं। कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, स्थान नहीं पता, गुप्त गोदावरी है, स्नान करने कहाँ चलना है, गुप्त गोदावरी ना। हाँ तो सगाई सभी हम लोग चले हैं गुप्त गोदावरी स्नान करने के लिए, अभी एक बार तो कर ली है ना, अभी एक बार और करते हैं स्नान, इसके बाद कहीं रेस्ट करेंगे और शाम टाइम ना परिक्रमा लगाएंगे। प्लान बन रहा है कि शाम को परिक्रमा लगा कि ना 11 से 12 के बीच में निकल लेंगे यहाँ से हम लोग सीधे घर के लिए। गुप्त गोदावरी फाइनली पहुँच चुके हैं सभी लोग। और हाँ इतनी अच्छी ना मौसम इतना अच्छा किया था, बट हाँ अचानक से ऐसी धूप कर दिया है, पूरा मूड ही चेंज कर दिया। अभी चलते हैं गुप्त गोदावरी में ना स्नान के लिए, इसके बाद दर्शन करेंगे फिर यहाँ से आगे। गाइस फाइनली हम लोगों का स्नान वगैरह हो चुके हैं, अभी चलते हैं मस्त मजे के मस्त नहा कर। ये दूसरी बार, तीसरी बार मैं नहा रहा हूँ दिन में, मतलब एक बार घर में फिर वहाँ नहाया, अभी यहाँ, अभी कहाँ नहाना है, अभी राम घाट में भी नहाना है अपने को। चलते हैं अभी दर्शन के लिए, पहले यहाँ हाँ गुप्त गोदावरी का, गोदावरी के दर्शन करते हैं हम लोग, इसके बाद अपने को यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ ना लाइन लगी हुई काफ़ी ज़्यादा, 15-20 मिनट का सारा समय लग सकता है। लोगों को ना टिकट अंदर से कटवानी पड़ती है, बिकॉज सभी लोगों की अलग अलग कटती है, 6 लोग थे हम लोग, 6 लोगों की कट चुकी है, 20 से उखाड़ देते हैं। यहाँ
जाने के लिए अलाउड है ऊपर। चलते हैं अभी अपने को, वो देखिए जहाँ दिख रहा है ना वहाँ ना भीड़ लगी हुई है, मतलब आधे घंटे लग जाएंगे पता चला है अभी ऐसा। सीधा चलते हैं और वो भी देखिए हमारे वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कौन से कैमरे से फोटो खींचेंगे इतनी दूर का फोटो। अरे नीचे आइए ना, ये है यहाँ की गुप्त गोदावरी, यहाँ ना काफी कम जगह है। ऐसी एकदम सकरी हुई रास्ता है यहाँ से निकलने के लिए। चाचा फंसेंगे तो नहीं, पहले नहीं चलते हैं और देखते हैं, फंसे तो नहीं है हम लोग। बट हाँ अनफॉर्चुनेटली निकल गए और लाइट भी जा चुकी है। जय ये देखिए कितना ज्यादा गुफा में एकदम अंधेरा हो चुका है पूरी रात। और ये यहाँ से आ रहे हैं लोग बाग, इतनी छोटी सी जगह, वो तो हालांकि यहाँ वर्जित है, अलाउड नहीं है। यहाँ ना राम भगवान बैठ कर ना दरबार करते थे, यहाँ 12 साल वनवास के लिए जब आए थे ना अपना महल छोड़कर तो यहीं आए थे, तो ये उनका बैठने का जगह रहता था और यहाँ पे उनके सभी दरबारी बैठते थे, जो भी आता था देवगण सभी लोग यहाँ बैठते थे। मस्त पूरी जगह खाली है, ये पूरा पहाड़ है, कोई बनाया नहीं गया पहले का ही है, उन्हीं के ज़माने का, अभी का कुछ नहीं है यहाँ। और यहाँ ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कुछ बोला नहीं जा रहा, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं मतलब सभी लोग ना पसीने में चला, पूरे गुफा के अंदर है, ये पुराने ज़माने का बना हुआ है पूरा। अच्छा खटखटा चोर है, ये देखिए गाइस ये यहाँ पे जो पत्थर दिख रहा है ना छोटा सा, अभी हम लोग वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से ना ठीक दिख नहीं रहा, खटखटा चोर यहाँ बोलते हैं, मतलब अगर कोई यहाँ से कुछ चुरा कर ले जाता था ना ये बता देता था जाकर सबको। इसे पीछे जो ना पानी है ना, यहाँ सीता कुंड है, सीता जी यहाँ स्नान करती थी उन 12 सालों में, यहीं वो हमेशा स्नान करने के लिए आती थी। सिर नीचे करके चलना पड़ रहा है, पहले पता नहीं राज मतलब राम जी लोग कैसे चलते थे, बट हाँ अभी ना ये ऊँचाई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। बाहर चलते हैं अभी, अभी हम लोग जाएंगे धनुष, कुछ लिखा था वहाँ कन्फर्म नहीं है, आगे भी कुछ दर्शन के लिए चल रहे हैं सभी लोग। धनुष कुंड है, ये धनुष कुंड है, गुफे के अंदर ना मस्त पानी भरा हुआ है, हम लोग ना पानी से चल चल के जा रहे हैं, पानी है मतलब 1 फीट के आसपास पानी अच्छा खासा भरा है। गुप्त गोदावरी के ना दर्शन करके अभी हम लोग नहा वहा कर बिल्कुल अभी आ रहे हैं बाहर, दर्शन भी हो गए नहा भी लिए दोबारा, अभी बाहर आए चाय वगैरह पी रहे हैं पे बाहर, चाचा ले रहे हैं कुछ अपने बच्ची के लिए खेलने वाले आइटम। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं मस्त चाय पीने की तैयारी में, यहाँ जल्दी से हम लोग चाय पीते हैं इसके बाद निकलते हैं। गाइस हम लोग ना अभी सत्य अनुसुईया के लिए निकले हैं, यहाँ से करीबन 5 से 7 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं, अभी हम लोगों को 5 किलोमीटर की जर्नी और करनी पड़ेगी। इस सत्य अनुसुईया है हम लोग पीछे, मतलब पूरी मंदिर बनी हुई है यहाँ ना, और मस्त सभी लोग चल रहे हैं। यहाँ पहले स्लीपर उतारनी पड़ेगी, शूज़ जो भी जो पहन कर आया हो अपने अपने उतार के कर जाएगा। ये देखिए पहले के घोड़े बनाए हुए हैं, अभी इधर साइड भी इधर साइड भी, और ये पूरी बनी हुई है अंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अंदर चलते हैं पहले, यहाँ आने के बाद ना यहाँ ना पहले घंटा बजाना पड़ता है ये, इसके बाद अंदर एंट्री करें, हम भी बजा कर देखते हैं। काफ़ी भारी है वैस, और ये पूरी मंदिर है, पूरी मंदिर के बाहर का व्यू, ज़्यादा पब्लिक तो नहीं है बट हाँ है, फिर भी पानी भी गिरने लगा, बारिश होने लगी हल्का हल्का, अच्छा हो कि बरस दे थोड़ा ही देर ना बारिश गिर दे तो अच्छा रहे। बाहर पानी गिरने लगा, मस्त अच्छा खासा मौसम कर दिया है पूरा, और ये पूरा हॉल है हम लोगों का यहाँ, मतलब हम लोगों का नहीं मतलब सभी का जो भी भक्तगण यहाँ आए, अभी इस समय तो पूरा खाली है, मतलब यहाँ टूरिज़्म पार्टी इस समय आ रही है दर्शन के लिए, बाकी अदर सीजन अदर मौसमों पे ना सभी लोग घूमने के लिए आते हैं, अभी तो मतलब टूर में लड़के लड़कियां जो भी आती हैं वही आते हैं, भैया लोग चले गए हैं शायद दर्शन के लिए अंदर। अति व्रत धर्म
दिसती अनुसुईया माता ही नहीं जो बना दी उनका और गाइस फाइनली अभी हम लोग ना यहाँ से निकले हैं सती अनुसुईया से अभी चांद धारा और हाँ अभी 2 मिनट लगेगा हनुमान धारा पहुँचने में। आप लोगों को आगे दिखाते हैं मंदिर दिख रही होगी यहीं से देखिए वाइट वाइट जो दिख रही हल्का सा वही है मंदिर। हम लोगों को लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा और हालत ऐसी है ये देखिए ये वाइट वाइट जो दो तीन लाइटें दिख रही ना यहीं तक हमको लास्ट स्टेज तक जाना है। चलते हैं यहाँ भी जल्दी से बिकॉज हमें अभी परिक्रमा हम लोगों ने नहीं किया है परिक्रमा करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा थकान तो उसी में है परिक्रमा दर्शन के लिए ना 670 सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहे हैं लगभग 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 अभी हम लोग 50 सीढ़ी चढ़े होंगे। सभी लोगों की हालत टाइट हो गई नन्हे और चाचा आ रहे हैं हम चारों लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट थोड़ी दूर तक लिफ्ट का भी सिस्टम है बट हाँ पीपे को बोला इसी से चला जाए तो पीपे मना कर दिए चलते हैं पैदल ही 20 मिनट लगेगा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलते हैं सीधा वहां दर्शन करते हैं मतलब वहां से हमें दर्शन करके आने में 1 घंटा मोटा मोटा लग ही जाएगा पूरी सांस फूलने लगी इतना ज़्यादा थक गया। दर्शन करके मतलब हम लोगों को 1 घंटे 1.5 घंटे लग गए अप्रॉक्स अभी कितना टाइम लगेगा वहाँ कोशिश यही रहेगी आज ही हम लोग दर्शन कर लें बिकॉज रात का दर्शन ठीक रहता है क्योंकि रोड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रात के भी बज रहे हैं 12 इतनी सुनसान रास्ता है यहाँ की 1-2 गाड़ियाँ चलती हैं वो भी बड़े मुश्किलें से दिखाई देती हैं ये दोनों गाड़ियाँ तो जा सामने जा रही हैं तो अपनी ही हैं और किसी की नहीं तो चलते हैं। हाँ मौसम अच्छा है थोड़ा सा गर्मी भी नहीं लग रही है पसीने चल रहे थे हम लोगों को सीढ़ी चढ़ते वक्त हालत ख़राब हो गई थी मेरा तो पूरा पैर दुख रहा है अभी भी और अभी हम लोगों को करीबन 1.5 घंटे ना पैदल चलना पड़ेगा पता नहीं क्या होता है उसमें क्या हाल होगी क्योंकि मैं परिक्रमा में तो मेरी हालत निकल जाएगी भाई मैं तो परेशान हो जाऊँगा बट चलते हैं हो गया क्या अब आए हैं इतनी दूर तो करेंगे ही परिक्रमा। हम लोगों का पहले प्लान बना था कार में आने के लिए बट हाँ इस बाइक से आने में ना अपने को कई चीज़ों का फ़ायदा होता है फ़ोटोशूट भी इंसान कर लेता है कहीं पे रुकना है तो रुक के रेस्ट भी कर लिए चलते रहे कार में तब बैठो और सीधा पहुंच जाओ रुकने को फिर सोचना पड़ता है कि यहाँ नहीं बाइक में है जिसको जहाँ मन पड़ा रोक लिया अपना सब रुक गए। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें आगे अभी हम लोग और अच्छा देखेंगे दर्शन करेंगे कामता जी के तो वहाँ भी हम लोग पहुँच जाएंगे 10 से 15 मिनट में तब तक आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियो लाइक कर दें और हाँ कमेंट से बताएं कैसा आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया क्या कौन सा पॉइंट सही लगा। चलते हैं पहले थोड़ा सा रोड यहाँ 1-2 जगह ना टूटी फूटी है तो एक हाथ से बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग पहुँच चुके हैं राम घाट यहाँ ना नहाना है ओपी भैया कपड़े वपड़े उतार कर मस्त बैठ गए हैं नहाने के लिए यहाँ नाव भी चलती है मस्त सजाए हुए हैं एकदम रानी की तरह बुफर वगैरह ना सब पूरी व्यवस्था है लेटने की सोने की गद्दे वगैरह सब लगाए हुए हैं। चलते हैं कपड़े उतारते पहले नहाते हैं इसका तो मन नहीं है नहाने का इसका मुंह देख कर लग रहा है अरे कहना क्या चाहते हो बट हाँ नहाएगा ये भी अपने साथ में और हाँ पानी भी हल्का हल्का गिरने लगा फिर से पानी तो आज दिन में 2-3 बार दिखा बस बरसा नहीं है हल्का हल्का बरसता था बस हो गया। चलते हैं पहले मस्त नहाते हैं यहाँ से क्योंकि ना पसीना पसीना पूरा शर्ट गीले हो गए हैं पसीने में नहा लेंगे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मैं तो कपड़े भी बदल दिए लोग तो कपड़े भी नहीं बदले हैं और मैं भी 1-2 जोड़ी और लिया हूँ अभी बीच बीच में मैं बदलता रहता हूँ। यहाँ आने के बाद ना नहा वहाँ चुके हैं अभी रात के बज रहे हैं 8:41 लोगों को आधे घंटे लगे टोटल घूम में मस्त नहाने वाने में और हाँ नहाते वक्त ना आज की किस्मत अच्छी थी हम लोग नहा भी रहे थे ऊपर से पानी भी बरस रहा था मस्त अच्छा खासा पानी गिरा है। अभी फाइनली चलते हैं यहाँ से कहाँ चलना है हमें खाना खाने सीधा आप चलते हैं ढाबा हाँ गाड़ी यहीं पे चलते हैं सीधा ढाबा खाना खाते हैं वहाँ खाना खाने के बाद परिक्रमा बिकॉज भूख भी लगी है अब भूख के साथ साथ सुबह के ना 6:30 रहे हैं अभी जस्ट मैं सोकर उठा बिकॉज हम लोग ना कल वहाँ से आए खाना वगैरह खाकर इतने ज़्यादा थक गए थे और इतना ज़्यादा नींद लगी थी आए सीधा बिस्तर में लेटा होटल ले लिया था हम लोगों ने
और होटल काफ़ी अच्छा, पहले तो होटल ढूंढते रह गए, होटल ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज होटल अच्छी नहीं मिल रही थी। इसके बाद मिली भी तो सीधा आए हम लोग, ना कपड़ा वपड़ा उतारे, उसके बाद सीधा दबा कर सो गए। 4 बजे का प्लान था हम लोगों का कि 4 बजे उठकर हम लोग परिक्रमा लगाएंगे, बट हाँ किसी की भी नींद नहीं खुली। इतना ज़्यादा सोए कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले नींद खुला, और मैंने वीडियो देखा तो मैंने वीडियो ना प्रिंट भी नहीं कर रखा था, सोचा चलो कर देते। हम लोग होटल लिए थे, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, मतलब जहाँ हम लोगों को भी जाना है ना 5 किलोमीटर पहले ले लिया, उससे काफ़ी अच्छी होटल मिल गई थी। मतलब बाइक वगैरह हम लोगों की ना अच्छा मस्त, पानी वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, अगर रात में पानी गिरता भी तो अच्छा खासा अच्छी जगह पे बाइक भी पार्किंग की थी। सामने वाला हम लोगों का रूम था, कार के बगल वाला जो खुला हुआ थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं मुँह वगैरह धुलते हैं नहाते हैं, इसके बाद सीधे निकल लेंगे हम लोग परिक्रमा में। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज फिर एक साथ अगर बनाऊँ ना काफ़ी लंबा खींच जाएगा वीडियो, इसके बाद न्यू वीडियो बनाता हूँ नहा वहाँ कर दूसरा वीडियो। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।